आज हम बात करने वाले हैं अल्ताफ शेख एमसी सैन के बारे में, उनके मिसिंग पोस्टर को लेके, और बिग बॉस 18 के बारे में भी हम बात करेंगे। तो उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वीडियो ना बड़ी क्रेजी होने वाली है। अभी कुछ दिन पहले हमें अचानक से इंस्टाग्राम पे एमसी सैन के मिसिंग पोस्टर देखने को मिले, जिसपे उनकी फोटो, उनका नेम और उनकी एज लिखी हुई थी। ये पोस्टर हमें देखने को मिला गुजरात और महाराष्ट्र में। एंड जब ये पोस्टर इंस्टाग्राम पे वायरल होने लगा, तो मानो एमसी सैन के फैंस में ना तहलका मच गया। सब कोई टेंशन में आ गया था, इवन मेरे को भी टेंशन होने लगी थी कि भाई ये सब चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। सब चीजें ठीक चल रही थी, अचानक से मिसिंग पोस्टर का आना बड़ा डेंजरस लगा मुझे। एंड उसके बाद ना ये न्यूज ना सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने लगा, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे न्यूज चैनल्स हो, चाहे इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, हर जगह सिर्फ एमसी स्टैन के मिसिंग पोस्टर का ही सीन चल रहा था। स्टैन के मिसिंग पोस्टर हमें काफी जगह पे पेस्ट हुए नजर आए, जैसे दीवार पे, ऑटो पे, खंबे पे, पेड़ पे और भी काफी जगह। और ये सिलसिला ना बढ़ता गया, और आप विश्वास नहीं करोगे, 30+ बड़े न्यूज चैनल्स में ना एमसी स्टैन के मिसिंग पोस्टर को लेके काफी सारे न्यूज देखने को मिले। स्टैन के जो फैंस है ना, वो ये सब देख के काफी टेंशन में आ गए थे, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी थे। और जैसा कि हम जैसे अगर प्यार करने वाले हैं, तो यार नफरत करने वाले भी होंगे ऑब्वियसली। तो हेटर्स का कहना था कि स्टैन स्टंट कर रहे हैं ताकि वो ट्रेंड पे आ जाए, और उसके बाद जब उनकी एल्बम आए तो वो सुपर डुपर हिट हो जाए। और कुछ हेटर्स कहते कि ये जो माजरा हुआ है ना पोस्टर वाला, तो ये एमसी स्टैन और उसकी टीम ने खुद ने कराया है। तो उन हेटर्स को लेके ना मेरा कहना है कि भाई स्टैन को ना अपना सॉन्ग डालने से पहले हाइप की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप में और उनका नाम ही काफी है। और आर्टिस्ट का मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा करता है या नहीं करता, बट स्टैन के लिए मैं श्योर हूँ कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। एंड बाद में पता लगा कि भाई ये जो पोस्टर वाला सीन था ना, ये एमसी स्टैन के फैंस ने किया था, क्योंकि स्टैन इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं थे और अभी महफिल एल्बम भी उनका पेंडिंग पड़ा है, तो बस इसीलिए। एंड इस मिसिंग पोस्टर को लेके ना स्टैन के फैंस उनको मेंशन कर रहे थे कि स्टैन इस पोस्टर को देखे और जल्दी से ना महफिल एल्बम ड्रॉप करे, वेट नहीं हो रहा है यार। पर मैं स्टैन के फैंस को और अपने आप को भी ये बोलना चाहूंगी कि भाई सब्र करते हैं, सब्र का फल ना मीठा होता है। अगर उन्होंने अनाउंस किया है कि भाई महफिल एल्बम आएगी, तो यार वो आएगी, थोड़ा लेट हो रहा है कोई बात नहीं, बट सुनने को हमें जरूर मिलेगा। स्टैन के मिसिंग पोस्टर को लेके हेटर्स काफी रूमर्स फैला रहे थे। ये मामला यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब ये न्यूज वाले स्टैन के मिसिंग को लेके कनेक्ट कर रहे बिग बॉस 18 को लेके। उस पर पूरा एक आर्टिकल छपा है जिसमें लिखा हुआ है कि बिग बॉस 18 बिग बॉस के नए सीजन की शुरुआत से पहले शहर में लगे पोस्टर से सस्पेंस बढ़ा दिया है। बिग बॉस 16 के विनर रहे एमसी स्टैन के बारे में खबर यह है कि पोस्ट उनके फैंस ने ही लगाए हैं। सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस का 18वां सीजन जल्द ही शुरू होने जा रहा है। मेकर्स प्रमोशन में पूरी जान लगा रहे हैं। और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर आई है जिससे कुछ लोगों को बेचैनी हो सकती है। बिग बॉस 16 के विनर रहे रैपर एमसी स्टैन की तस्वीरों वाले तमाम पोस्टर शहर में कई जगह पर लगाए गए हैं, जिन पर लिखा गया है गुमशुदा की तलाश। पोस्टर में एमसी स्टैन की तस्वीर है और नीचे उनका नाम और उनके साथ उनकी उम्र लिखी हुई है। गाड़ियां और ऑटो रिक्शों के पीछे और दीवारों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन इससे पीछे की कहानी किसी को पता नहीं। क्या ये पोस्टर बिग बॉस के नए सीजन को प्रमोट करने के लिए है, या फिर वाकई मामला सीरियस है? ऐसे कई सवालों का जवाब तलाश रहे हैं एमसी स्टैन के फैंस बेचैन हैं। एक फैन ने कमेंट सेक्शन में लिखा, ये कोई पीआर नहीं है बल्कि स्टैन भाई के कट्टर फैंस है। इस फैन का एक कमेंट देख के ना सीरियसली यार दिल ना खुश हो गया, क्योंकि हाँ भाई है, कट्टर फैंस है उनके, उनमें से एक मैं भी हूँ। और एक फैन ने कमेंट किया, शायद ये एमसी स्टैन के फैन ने ही किया है, क्योंकि वे काफी वक्त से एक भी गाना रिलीज नहीं कर रहा है। गुमशुदा वाले पोस्टर को लेके एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, अगर ये मिले तो कांटेक्ट किससे करूंगा, किसी को कांटेक्ट नंबर तो देना चाहिए था। तो जब ये स्टैन मिसिंग वाला ट्रेंड चल रहा था, तो उसके एक दो दिन बाद ही ना मैं स्टैन का एक स्टोरी देखने को मिला, जिसमें स्टैन ने अपने हेटर्स को जवाब दिया, 4 times उड़ते गए ना फिर ओप्स, आई एम टू स्लिम, यू नॉट अ ओप, यू अ हेटर, स्टॉप टेलिंग पीपल वी बीफिंग एंड टेल देम यू जेलस। ये पोस्ट डाल के ना स्टैन ने हेटर्स का मुंह बंद करा दिया। और कुछ हेटर्स है ना जो कहते हैं कि भाई स्टैन क्या है, कुछ नहीं है, तो उनको मैं बता दूं, एक दो दिन में स्टैनी फैंस ने ट्रेंड कराया, काफी सारे आर्टिकल प्रिंट हुए, 30+ न्यूज चैनल पे सारा न्यूज आया। तो ऐसे ही नॉर्मल इंसान का तो यार बिल्कुल नहीं आता। तो ये स्टैन की पावर थी और स्टैन आर्मी की भी। तो जब बिग बॉस 18 की बात चल ही रही है, तो यार मैं उसके बारे में थोड़ा कुछ आप लोगों को और बता ही दूं। मैं पर्सनली एक चीज बताऊं ना, तो बिग बॉस पहले मैं नहीं देखती थी, लेकिन स्टैन जब से आए ना, तो तब से मैंने बिग बॉस देखना स्टार्ट किया है। एंड बात जब बिग बॉस की आती है, तो यार मैं खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी शुरुआत ही वहीं से हुई थी। जब बिग बॉस देखते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि भाई फाइनली बिग बॉस 18 आने वाला है। मेकर्स ने इस शो का ना प्रोमो रिलीज कर दिया है, बट हर सीजन ना लोगों में थोड़ा सा डर रहता है कि होस्टर चेंज ना हो जाए।
तो एक और गुड न्यूज देती हूँ मैं कि भाई इस साल फिर से हमारे सलमान खान होस्ट करने वाले बिग बॉस 18, बट अभी तक कंटेस्टेंट का कुछ पता नहीं कि भाई कौन कौन आएगा, और काफी सस्पेंस ना अभी भी बाकी है कि भाई इस सीजन को ना टाइम का तांडव कह के क्यों प्रमोट कर रहे हैं। वो तब हमें उसी टाइम पता चलेगा जब बिग बॉस आएगा और हम लोग देखेंगे। तो बस ये न्यूज यहीं तक थी, आप लोगों को ये न्यूज कैसा लगा जरूर कमेंट करके मुझे बताना, और बिग बॉस 18 के बारे में भी आप लोगों को मैंने काफी चीजें बताई है। अगर आपको अच्छा लगा ना तो मैं इस पे और वीडियोस बनाऊंगी अगर आप कमेंट करोगे बहुत सारा। तो उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए ना जल्दी से आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और इंस्टाग्राम पे वेली साइड को जाके जल्दी से फॉलो करो। तो मिलती हूं मैं आपको बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।